अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल वी यू पी एस सी एस। उम्मीद है कि आप सब लोग हरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे MTS 301 का लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 7 क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसको हम देखते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 7 है हमारा, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। तो उससे पहले आप देखें, हमने लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 6 यहाँ ख़त्म किया था। लेक्चर नंबर 7 जो है एक्चुअली यहाँ से शुरू हो रहा है, डेरिवेटिव जो है यहाँ से शुरू हो रहा है। तो अब ये देखें, डेरिवेटिव लिखना है, लिखा है फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई करके निकालना है, ठीक है। तो उसको देखते हैं। अब आप देखें, कह रहे हैं पहले तुम निकालो रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो ये आपका पास सवाल दिया, अब आप देखें रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। माइनस साइन लिखा आपने और उसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। इसके अंदर का आप डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, जैसे कि आप ऊपर करते हुए। तो आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, तो ये देखें आप लिखा हुआ है एक्स फाइव वाई फोर, तो क्या करेगा, फाइव एक्स आएगा नीचे, फाइव नीचे आ जाएगा, एक्स फाइव में से वन जाएंगे तो क्या बचेगा, फोर। तो एक्स फोर आ गया और वाई फोर एडिट्स रह गया आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसको अरेंज कर लेंगे आप। तो आप देखें अरेंज करेंगे तो क्या होगा, कॉस का होता है माइनस साइन, माइनस का साइन यहाँ आ गया फाइव, ये लिखा डेरिवेटिव लिया हमने यहाँ पर लिख दिया, और साइन का होता है साइन की जो ब्रैकेट वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यानी इसको अरेंज कर दिया डेरिवेटिव लेने के बाद, ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट से ले लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आसान है। अब देखें, इसी तरीके से आपको दिया हुआ है, थ्री डायमेंशन दिया हुआ है, यानी आपको एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है और जेड दिया हुआ है। तो देखें आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है डब्ल्यू, विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू दिया हुआ है, ठीक है। आप क्या करेंगे, रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू लेके एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, फिर वाई का लेंगे, फिर जेड का लेंगे। तो पहले हमें क्या लेना है, एक्स का। तो आप देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस फोर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड। तो जब आप एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, टू एक्स हो जाएगा ये, ठीक है, थ्री वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक्स नहीं है जीरो हो गया ये, यहाँ पर फोर जेड स्क्वायर है, यहाँ पर जीरो हो गया, एक्स नहीं है। अब आप देखें यहाँ पर एक्स है तो क्या हो गया, एक्स जगह हो गया वन। तो यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई जेड। तो जब आप इसको देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी टू एक्स माइनस वाई जेड। तो आप देखिए ये वैल्यू आ रही है, तो इसी तरीके से हम वाई का करेंगे और इसी तरीके से हम जेड का डेरिवेटिव ले लेंगे। सिंपल ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 7 में आप देखें आपको क्या बताया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव एफ रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय, तो पार्शियल डेरिवेटिव आपको लेना है विद एफ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे डी एफ ओवर डी एक्स, डावा एफ ओवर डावा एक्स, डावा बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप जेड का साइन होगा तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ जेड, तो आप क्या लिखेंगे, जेड रिस्पेक्ट टू एक्स, टू एक्स लिख देंगे। यानी जेड के रिस्पेक्ट से करो तो आप देखिए लिखेंगे डावा जेड ओवर, हमें पहले का निकालना है एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डावा जेड ओवर डावा एक्स। अब आपको यहाँ वेरिएबल क्या दिया, क्या करेंगे, डावा जेड ओवर डावा वाई, यानी रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट से। आप आके देखते हैं, समझ में आ जाएगा, ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, एमसीक्यू आ सकता है, तो उसको देख लीजिएगा। वैसे जो है ये इसके क्वेश्चन अभी सॉल्व इसमें है नहीं एग्जाम्पल में, तो ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा, अगर तो भी है नहीं है, तो ये डायग्राम वगैरह दी हुई है। अच्छा, आप ये देखें इसमें बताया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर क्या होता है। तो आप देखें, आप आगे जाएंगे ना, तो उसमें ये होगा कि पहले आपको सिंपल डेरिवेटिव निकालना है, फिर उसी का एक काउंट निकालना है, फिर उसी का एक काउंट निकालना है, डबल ट्रिपल करना है। तो इसको समझाने के लिए लिखा हुआ, अगर आप एक डेरिवेटिव निकाल लें तो उसको लिख दें एफ एक्स, फिर आपको एफ एक्स का एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो एफ एक्स एक्स, यानी ये शो क्या कर रहा है, आपने एक एक्स वेरिएबल का दो मरतब डेरिवेटिव निकालें, ठीक है। तो ये साइन भी डेरिवेटिव को शो करता है, तो आप लिखें, तो इसी से एक्स स्क्वायर में लिखा हुआ है, तो आप किसी फॉर्म में लिखें, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अब आप ये देखें, ये एक्स है, आप इसने एक्स वाई डेरिवेटिव निकाला हुआ है, तो उसने मिला के लिख दिया, नहीं है एक फंक्शन का जो है, अगर मैं ये लिखूँ एफ एक्स वाई यहाँ पर इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी मुझे एक्स को निकालना है, इसका वाई भी निकालना है, ठीक है। इसी तरीके से इसका कर दिया अपोजिट, इसी तरीके से इसका कर दिया अपोजिट, इसका एफ वाई कर दिया, इसका एफ एक्स निकाल लिया। इसी तरीके से आप देखें, हमें करना है क्या, एफ वाई निकालना है, फिर क्या करना है, वाई वाई, फिर वाई वाई, फिर वाई स्क्वायर। तो इसी तरीके से इसको आपको एफ वाई की फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, वाई वाई। तो सिंपल इसमें यह बताया हुआ है। अब हम आगे देखते हैं, तो आपको देखें, ये आपको एग्जाम्पल दी हुई है, जेड आर्क साइन, आर्क साइन क्या होता है, साइन इनवर्स, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आपने देखा कि देखें लिखा हुआ क्या है, ये डी एक्स ओवर डी वाई, डी वाई ओवर डी एक्स, यानी आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है, दो दो मरता हुआ एक्स निकालना है, फिर एक्स का रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है। इसी तरीके से आपने, आसान है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप देखें, ये आर्क साइन का होता है, और गूगल पे आकर देखें तो साइन का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, आर्क को बोलते हैं साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है वन डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप ये देखें, साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, अब आपको वैल्यू दी हुई क्या, एक्स वाई दी हुई है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स वन डिवाइड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स की जगह हमारे पास क्या है, एक्स वाई। तो हम क्या करेंगे, एक्स क्या लिखेंगे, एक्स वाई, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, इसको खोल देंगे ब्रैकेट को, ब्रैकेट खोलने के बाद क्या करेंगे, वाई स्क्वायर ये हो रहा है एलसीएम, वाई को वहाँ ले जाएंगे एक्स यहाँ होगा, तो वाई को वहाँ लेगा एक्स यहाँ होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, वाई स्क्वायर। इस तरीके से ही आ गया। अब ये तो हमने एलसीएम ले लिया, तो हमें पता है जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो उस अंदर की वैल्यू के भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो हमने क्या किया, डी ओवर डी एक्स को यानी एक्स वाई का डेरिवेटिव दोबारा लिया है। क्यों, कि मैं जैसे कि ऊपर हम देखते थे साइन एक्स वाई लिखा है,
ये sin x वाई, उसका तो पहले sin x वाई का डेरिवेटिव लेते थे, sin cos क्या cos, ठीक है, cos के बाद क्या करते थे दोबारा से x y के अंदर जो वैल्यू होती थी उसका डेरिवेटिव हम लिया करते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कम किया हुआ, दोबारा डेरिवेटिव लेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स का, तो क्या होगा वैल्यू हो जाएगा वन, यानी वन बाय वाई। तो इसको फिर अरेंज करेंगे तो अरेंज करने के बाद हमारे पास आंसर आंसर क्या आएगा डेरिवेटिव, यानी हमारे पास पहले फंक्शन की जो वैल्यू है क्या टी डावा जेड ओवर डावा एक्स की वैल्यू क्या है डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स से हमारे पास वैल्यू क्या आई एक्स की आई। आप इसी तरीके से आ गए हैं इसी वैल्यू को इसी क्वेश्चन का यही फॉर्मूला लगाएंगे, सिर्फ क्या करेंगे रिस्पेक्ट टू वाई कर देंगे। अब रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी ये आएगी। तो अब आप ये देखें यहाँ पे जो है तो जब देखें एक्स के रिस्पेक्ट से आ गई वाई के रिस्पेक्ट से आ गई, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, अब जो एक्स के रिस्पेक्ट से वैल्यू आई हुई है इसको आपने क्या करना है वाई रिस्पेक्ट टू वाई, यानी एक्स की डेरिवेटिव लेंगे रिस्पेक्ट टू वाई, और इसी तरीके से जो वाई का आंसर आया है डेरिवेटिव लेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब आप जो देखें तो दोनों को जो आंसर आएगा जो आप चाहे दोनों सेम आना चाहिए, तो अब आप ये देखें ये और ये देखें आपके आंसर सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये जो वेरिएबल डावा जेड ओवर डावा स्क्वायर ओवर जेड इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, यानी डी एक्स ओवर डी वाई के दोनों इक्वल है। तो आपको सिंपल क्वेश्चन में ये करना है, अब देखें यहाँ पर वन बाई टू आ रहा है, तो वन बाई टू किस वजह से आ रहा है सिंपल है, इसको यहाँ पर मैं करके समझाता हूँ आपको। देखें देखिए यहाँ पे अंडर रूट था नीचे जिसको ले ऊपर, जब उसके ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस का वन बाई टू हो गया, ठीक है, माइनस का वन बाई टू हो गया, माइनस का वन बाई टू माइनस वन, तो अब टू वन का क्या होगा ये माइनस वन टू हो गया और नीचे टू हो गया, तो माइनस माइनस क्या होगा माइनस थ्री बाई टू, तो थ्री बाई टू जो इस तरीके से यहाँ पे आया है देखें ऊपर थ्री बाई टू इस तरीके से आया, ठीक है। तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वल है, तो क्या होगा ये प्रूफ हो जाएगा दोनों इक्वल हैं जो आपको दिया हुआ है, सेटिसफाई कर दिया कंडीशन के हाँ ये दोनों इक्वल है इस चीज़ के। तो इसी तरीके से आगे एग्जाम्पल दी हुई है, इसमें भी पूरा यही करना है, इस तरीके से ये सवाल दिया हुआ है आपको। देखें यहाँ पर दिया हुआ है डावा स्क्वायर ओवर एफ को हमें क्या करना है, पहले एक्स स्क्वायर निकालना है फिर वाई स्क्वायर निकालना है, फिर दोनों को पार्शियल डेरिवेटिव लेके तो दोनों की वैल्यू आएगी वो इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो आपका प्रूफ करना है तो यहाँ पे देखें आपको हमने क्या किया, पहले हमने इस फंक्शन को ये वाला वैल्यू दी हुई है, इसको हमने किया देखें ये दो है ये एक्स है कॉस पर दोनों अलग अलग है टू वेरिएबल है, ठीक है। तो हमने क्या किया पहले हमने इस वैल्यू किया एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया, जब हम एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा एक्स का हो जाएगा वन और कॉस हुआ है तो कॉस वाई के साथ मल्टीप्लाई हो तो हम क्या करेंगे कॉस वाई को लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें एक्स का क्या होता है वन होता है, तो एक्स वन वहाँ चलेगा तो क्या होगा ये भी सिंपल सेम रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे वाई के रिस्पेक्ट से लेंगे, जब हम वाई के रिस्पेक्ट से लेंगे तो क्या होगा एक्स वही रहेगा और कॉस का क्या होता है माइनस साइन, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया यहाँ पे क्या हुआ है वाई का क्या हो गया वन, तो इस तरीके से वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम देखिए हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अब हमें क्या करना है हमारे एक्स का डेरिवेटिव लेना है, हमारे पास जो एक्स का आंसर आया है जो एक्स का आंसर आया है उसको हमें लेना है एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, ठीक है, यानी प्रूफ करना है। अब हो सकता है अगर आप एक मरतबा एक्स लें और इसका एक्स दोनों सेम आ जाए, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो आप बेहतर क्या है आप जो इसका डेरिवेटिव आ रहा है वो आप एक्स से भी ले लें वाई से भी ले लें और जो इसका आ रहा है उसका भी आप एक्स से भी ले लें वाई से भी ले लें। तो अब देखें जो दोनों वैल्यू आ रही है प्रूफ हो गया ये, ठीक है। तो हमने क्या किया पहले जो हमारा आंसर आया इसका हमने क्या किया पहले एक्स डेरिवेटिव लिया, देखें कॉस वाई लिखा हुआ ये हो गया जीरो और एक्स लेंगे तो क्या होगा एक्स आएगा वन ये हो गया वन वाई ई एक्स, तो देखें सिर्फ मतलब इसका ये आ गया। अब इसी का हम वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा कॉस का होता है माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन आ गया यहाँ पर इसका हमें लेना वाई के रिस्पेक्ट से, जब वाई के रिस्पेक्ट से लेंगे तो ये हो गया और वाई हो गया वन तो क्या आ गया ई एक्स, ठीक है। तो अब आप देखें दोनों के आंसर ये आ गया, क्या करेंगे हम इसका वाई को लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फिर लेंगे वाई के रिस्पेक्ट से, तो जब हम एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा अगर एक्स का होगा वन एक्स हो गया वन तो क्या हो गया साइन थीटा से आ गया और ई एक्स का होता है ई एक्स तो ई एक्स ई एक्स से आएगा। अब देखें वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का क्या होता है साइन का होता है कॉस, माइनस का आपको ऑलरेडी दिया हुआ है साइन का होता है कॉस, ठीक है, तो माइनस आपको दिया हुआ है एज इट इज़, वाई के रिस्पेक्ट से लेंगे तो क्या होगा साइन का होगा कॉस, कॉस पर आगे नहीं होगा जीरो हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे ये आ गया, अब देखें आंसर कौन सा मैच हो रहा है वाई के रिस्पेक्ट से और यहाँ पे जो वाई हो रहा है एक्स, तो आप देखें दोनों इक्वल है तो लिखा नहीं है, तो आप लिख सकते हैं हैंस हैंस जो हमारे ये और ये हैं सेटिस्फाई यानी प्रूफ है दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो आप देखें आगे क्या है लैपलेस इक्वेशन, लैपलेस इक्वेशन में क्या है सिंपल आपको यही बताया है कि आपने एक मतलब डेरिवेटिव लेना है फिर वाई के रिस्पेक्ट से लेफ्ट के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, दोनों की वैल्यू अगर इक्वल है तो क्या होगा लैपलेस इक्वेशन निकल आएगी वो। तो ये फॉर्मूला देख रहे हैं यहाँ पर एम सी क्यूज में आता है ये इक्वेशन क्या होती है यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देख लें यहाँ पर आप देखें इसी का एक सवाल दिया हुआ है आगे वही दिया हुआ है शो डेट द फंक्शन एफ एक्स वाई ई एक्स साइन वाई, आपको ये दिया हुआ है एक फंक्शन, ठीक है, सेटिस्फाई द लैपलेस इक्वेशन, सेटिस्फाई करने के लैपलेस इक्वेशन है यानी। तो आपने क्या किया पहले आपने क्या किया एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया, तो जब आप एक्स रे देखें क्वेश्चन लिखा हुआ है डावा एफ ओवर डावा एक्स, यानी क्या करना है हमें पहले हमने करना है डावा एक्स फंक्शन है एफ, इस फंक्शन का क्या करना है हमें एक्स रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, तो क्या होगा ई एक्स का ई एक्स रहेगा, ठीक है, तो वो तो सिंपल ही ओके एक्स यहाँ जाएगा तो सेम ही आएगा ये हो गया एक्स पॉइंट। तो अब ये देखें यहाँ पे देखें और कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला वाला।
क्या करेंगे, हम इसी फंक्शन का जो क्वेश्चन में दिया है इसका हम लेंगे वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, इसका नहीं, इस क्वेश्चन का हम लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, फिर लेंगे वाई के। जब वाई के रिस्पेक्ट से लेंगे तो क्या हुआ, देखें साइन वाई का होता है कॉस वाई, साइन वाई की जगह आ गया कॉस वाई, एक्स ऐसी रहा। अब आप देखें यहाँ पे कॉस एक्स से कॉस एक्स ऐसी रहा, ई वाई लेंगे तो क्या होगा, ई वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, वाई का होता है वन, ठीक है, वन आएगा नीचे और ई वाई एज इट इज रह गया, ठीक है, तो क्या आ गया ई वाई, इस तरीके से आए, ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया वाई। अब क्या करेंगे, अब एक्स का डेरिवेटिव लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब आप ये देखें ये जो इसका आंसर है वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से लेंगे, ठीक है। पहली बात ई एक्स का क्या होगा, ई एक्स ही रहेगा, साइन वाई, अब यहाँ पे देखें साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो हमारे पास क्या आया, एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया। अब आप चाहें तो इसका वाई से भी ले लें, ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट से एक्स का क्या आंसर सेम आ रहा है। अब आए वाई पे, ये अब वाई का क्वेश्चन हमें लिख दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है ये y के रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव लेना है इसका, नहीं y का जो है आपने y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, cos y का क्या होता है, माइनस साइन y, ठीक है, ये एक एडिटिव आ गया, cos y का होता है माइनस साइन y, तो साइन माइनस शुरू आ गया, साइन y ऐसे आ गया, तो देखें इसी से लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आप देखें y के रिस्पेक्ट से लेंगे तो क्या होगा, v, तो ये एडिटिव रहेगा, तो आप ये देखें, आप ये देखें इसकी जो रिस्पेक्ट थी जब x का क्वेश्चन था, हमने ऊपर जो है एक्स के रिस्पेक्ट से किया, फिर वाई के किया, फिर वाई को हमने एक्स के रिस्पेक्ट से किया, वाई के रिस्पेक्ट से किया, फिर दोनों को जो आंसर सेम हमने कर दी सेटिस्फाई। तो इसमें वो काम क्यों नहीं किया, क्योंकि देखें इसमें हमने एक्स के रिस्पेक्ट से लिया, तो इसमें हमने वाई को हमने लिया एक्स के रिस्पेक्ट से, दोनों का सेम है तो हमने क्या कर दिया, तो गिवन कंडीशन है सेटिस्फाई। तो आप ये देखें ये इक्वेशन जो है ये दी हुई थी हमें ऊपर, देखें लेफ्ट इक्वेशन सेटिस्फाई करना है, ठीक है, शो दैट लेफ्ट इक्वेशन। अब ये देखें तो ये जो क्वेश्चन है ये और ये हमने जब किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर सेम आ गया, यानी ये और ये आंसर सेम आ गया, तो क्या हो गया, इक्वल टू जीरो के बराबर हो गया, तो ये हमारा प्रूफ क्या, लैपलास इक्वेशन, ठीक है। तो यही दिया हुआ है, यूलर थ्योरम क्या होता है इसमें, देखें डेरिवेटिव वही वाली बात जो एक्स वाई लिखा हुआ है, ठीक है, और ये एक्स वाई है और एफ वाई, तो इसको मैं ऐसे भी सकता हूँ एफ वाई एक्स या एफ एक्स वाई, ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या है, एडवांटेज क्या है, देखें जैसे सिंबल ये शो कर टेल डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये सिंबल शो कर रहा है कि हमें पैरेटिव लेना है वाई के रिस्पेक्ट से एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाद में हमें करना है एक्स रिस्पेक्ट, लेकिन वो कह रहा है कि हाउ एवर इसकी पोस्ट पंक्चुएटी विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड डिफरेंशिएट द फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वी गेट द आंसर क्विकली। तो वही कह रहे कोई भी क्वेश्चन दी हो हमें डायरेक्ट फाइंड करना का हो वाई और एक्स, तो पहले अगर हम एक्स का डेरिवेटिव ले लें, यानी क्वेश्चन का हम पहले भी रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन ले लें, तो हमारी ज़्यादा एडवांटेज बनस्पत के वाई, क्यों, उसने क्या किया पहले रिस्पेक्ट टू एक्स लिया है, अब उसने रिस्पेक्ट टू एक्स लिया, तो देखें यहाँ पे एक्स क्या था, यहाँ हो गया वन, ठीक है, एक्स हो गया वन, तो यहाँ पे देखें पूरी वैल्यू हो गई जीरो, एक्स हो गया वन, एक्स की जगह क्या आ गया, यहाँ पे देखें वाई, एक्स का लिखा हुआ एक्स हो गया वन, वाई वन के साथ क्या है वाई, तो यहाँ पे वाई आ गया, पूरी वैल्यू में क्या देखें एक्स है नहीं, तो क्या हो गया जीरो, रिस्पेक्ट टू एक्स ही है, फिर रिस्पेक्ट टू एक्स के बाद क्या, तो अब अभी देखें हमारा वाई आ गया, आप इससे क्या करेंगे, रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे, जो आंसर आया रिस्पेक्ट टू वाई, तो आंसर की जगह देखें ये, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है, इसकी जगह हमने ये पुट किया, ठीक है, तो क्या यहाँ पे वाई है, रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ गया वन, कह रहे हैं कि शॉर्ट हो जाता है हमारा आउटकम, जब रिस्पेक्ट के हम वाई के रिस्पेक्ट से लेंगे तो पता नहीं हमारा आंसर और कॉम्प्लिकेटेड आया, कह रहे तो आप इस तरीके से ये दिया हुआ है, ये इतना खास है नहीं, तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, तो काफ़ी मजे के क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिए, देखें आपको ये क्वेश्चन दी हुई है, ठीक है, ये दिया हुआ है आपने सेटिस्फाई करने दोनों को, तो जो आएगा चेक वाइज सेटिस्फाई हो रहा है, यानी सेटिस्फाई होगा तो जीरो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप लिखते हैं नॉट सेटिस्फाई, तो इसमें भी वही करना है, और इसमें कॉस साइन दिया हुआ है तो इसमें भी वही करना है, तो आप ये देख लीजिएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसके आंसर दी में होल्ड्स ट्रू नॉट होल्ड्स ट्रू, तो आंसर दी में तब देख लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट नंबर 8 में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।